नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। जैसे कि हमारी क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की चल रही हैं, तो आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तु। वास्तु घर का, दुकान का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हें वास्तु बोला जाता है। लैंड का भी वास्तु होता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स चीजें हैं वास्तु के बारे में, जो लोगों को पता ही नहीं है। जब पता है तो वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। वास्तु, ये मैंने एक नॉर्मल चार्ट बनाया है, इसके अंदर आप चलिए, जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस को समझना वास्तु बोला जाता है। अब जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार डायरेक्शंस हैं। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको जिंदगी के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था कि कुंडली, जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली से जाना जा सकता है कि दिस एंड दैट पर्सन क्या है, लाइफ के अंदर क्या कर रहा है, कैसे होनी चाहिए इसकी लाइफ, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी। जो वास्तु है इसको आप समझिएगा, ये उस घर, दुकान, मकान की जन्म कुंडली है। ये वो चीज है जो आपको एक्यूरेट बता देगी कि एक्यूरेटली आप क्या करना चाह रहे हैं। डायरेक्शंस के अंदर इतना दम है, इतनी ताकत है कि आप हैरान हो जाएंगे, या तो आपको यहां पर ले जाएंगे या फिर बिल्कुल ग्राफ नीचे गिरा देंगे आपका। तो बात हो रही है वास्तु की। दोस्तों, मोस्टली आपने देखा होगा 100 सी मकान फेसिंग की बात कर रहे हैं। जितने भी 100 सी फेसिंग मकान है, दुकान है, तो कोई 1 लाख में सिर्फ 10% ही बंदे ऐसे हैं जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, वरना इन घरों के अंदर लड़ाई, झगड़ा, कला, क्लेश, पैसे की तंगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसी तरह डायरेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जब आप लैंड, जमीन लेते हैं, तो उसके अंदर देखा जाता है उस लैंड, जो धरती है, उसकी मिट्टी का कलर क्या है। उस मिट्टी के कलर को समझकर ही बताया जा सकता है कि ये जो आप जगह ले रहे हैं, प्लॉट है, दुकान है, शोरूम है, या कुछ भी है, वो क्या आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, सूटेबल रहेगी। मिट्टी के बहुत कलर्स हैं, देखने का तो एक ही है लेकिन मिट्टी के कई कलर हैं। कुछ मिट्टी को खूनी मिट्टी बोला जाता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो आप समझ के चलिएगा कि वो जगह, प्लाट, दुकान, मकान आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहेंगे। तो बात हो रही है वास्तु की। मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, ये उसके बेसिक्स हैं। बेसिक्स को आप समझिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है साउथ फेसिंग। अब हम बात करेंगे पूर्व फेसिंग मकान की। तो इस फेसिंग के अंदर क्या है, इस फेसिंग के अंदर जिनके मकान है वो तरक्की करते चले जाएंगे, वंश बढ़ेगा, घर में बरकत होगी, मांगलिक शुभ कार्य होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उस पर कॉल करके टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।